नए साल में हम एक्सरसाइज करेंगे, नए साल में पैशन फॉलो करेंगे, नए साल में इधर उधर चोंच नहीं लड़ाएंगे, पढ़ाई करेंगे, रैंक लाएंगे। दिन में 8 घंटे तो लिख के ले लो भाई साहब, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, उसके अगले आधे घंटा अभी सो लेता हूँ थोड़ी देर, हाँ फिर उसके बाद हम 8 घंटा पढ़ेंगे, है ठंड लगने लग जाती है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत सिंपलिस्टिक रेजोल्यूशन आप ले सकते हैं। जैसे आपकी आदत है कि मैं खाना ज्यादा खाता हूँ, तो आप ये रेजोल्यूशन ले सकते हो कि खाना खाने से पहले मैं 1 गिलास पानी पी लूंगा, बस इतना आप ऐसे छोटा मोटा चुटर पुटर चल जाएगा। बेटा जिम से पहले आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, ये साल आपकी दिमाग की एक्सरसाइज का है, ठीक है। हाँ वरना वो थे ना गुड्डू पंडित टाइप से दिखोगे, क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे से तो मतलब देखो क्रिसमस का टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे केक मिलता था खाने के लिए, उसमें बहुत सारे किशमिश और बादाम डले पड़े होते थे। आखिरी वाले दिन में क्रिसमस के नाम पे हमारे सारे कोयर गाते थे, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा आवेला, सेंटा क्लास अंकल बच्चो झोला लेके आवेला, रे जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा आवेला, सेंटा क्लास अंकल बच्चो झोला लेके आवेला रे। तो इस प्रकार से आपने हाँ गाए भी होंगे बहुत सारे गाने। हाँ तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने भोजपुरी वो डाल दिया है, इसके लिरिक्स खतरनाक थे वैसे। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा आवेला, सेंटा क्लास अंकल बच्चों झोला लेके आवेला रे, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा आवेला, दाढ़ी वाला अंकल बच्चों झोला लेके आवेला रे, घर घर आवेला तोहफा बांटेला, हर बच्चा चिल्लाए देखा सेंटा आवेला हे, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा आवेला। दिस वॉज द न्यू वर्जन। अच्छे से आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय करिए, फेस्टिवल्स को देखो भाई, मैं सच बता रहा हूँ इंडिया में जितने फेस्टिवल्स हैं मेरे ख्याल ही शायद किसी कंट्री में है, और ये फेस्टिवल्स आपको हमेशा एंजॉय करने चाहिए, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं अच्छा लगता है, एक डेली रूटीन से आप ब्रेक कर जाते हैं, आप अपनी कम्युनिटी से जेलअप करते हैं, लोगों से जेलअप करते हैं, थोड़ी खुशियां फैलती हैं, तो आपको हमेशा सेलिब्रेशन में पार्ट लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सेलिब्रेशन में पार्ट ले रहे हैं तो पूरी दुनिया आप भूल जाए, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए। मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। बस मेरे को अभी तक ये डाउट है इसको हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं कहते हैं। 2022 सभी लोगों के लिए खत्म होने वाला है, कुछ ही दिन बस हमारे पास बचे हुए हैं, जोश बिल्कुल हाई।